प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एमबी अस्पताल से अज्ञात महिला उठा ले गई मासूम बच्ची को, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस टीमें जुटी तलाश में, सुरक्षा में चूक। माधवी स्थित नवनीत मोटर्स में खड़ी कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट बताई वजह, पास खड़ी कारें भी आई चपेट में। डूंगरपुर में खाकी के नाक के नीचे चल रहा सट्टा कारोबार, सटोरियों के हौसले इतने बुलंद की रिपोर्टर को दे डाली धमकी। और धूमधाम से मनाई गई संत रविदास की जयंती, संभाग में जगह जगह हुए आयोजन। उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय से एक 13 महीने की बच्ची को एक अज्ञात महिला उठाकर ले गई है। सुबह जब मां ने बरामदे में बच्ची को नहीं पाया तो इस मामले का खुलासा हुआ। शहर के हाथीपुल थाना पुलिस अज्ञात महिला की तलाश में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कंबल में छिपाकर इस महिला ने इस बच्ची को चुराया है। बताया जा रहा है कि ये MP के रहने वाले हैं। महिला अपने भाई के इलाज के सिलसिले में उदयपुर MB हॉस्पिटल में आई हुई थी और यहीं बरामदे में सो रही थी। उसी दौरान इस महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि MP की रहने वाली यह महिला अपने भाई के इलाज के सिलसिले में उदयपुर आई हुई थी। रात को बरामदे में ही बच्ची को लेकर सो गई, लेकिन सुबह जब उठी तो बच्ची उसके पास नहीं थी। काफी देर तक तो परिजनों ने बच्ची को अस्पताल के कॉरिडोर में ढूंढा, अलग अलग वार्डों में ढूंढा, बाहर तक तलाश की, लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं मिला। सुबह 6 बजे हॉस्पिटल की पुलिस चौकी पहुंचे और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जब हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक महिला बच्ची को कपड़े में छुपा कर ले जाती हुई नजर आ रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो हम भी आपको दिखा रहे हैं। बच्ची बरामदे में अपनी माँ के साथ सो रही थी, इसी दौरान ये महिला इसे मौका पाकर उठाकर ले गई। बताया जा रहा है कि भाई के लिए भोपाल से ये बहन बच्ची को लेकर आई हुई थी। 10 दिनों से वो अस्पताल में थी। अस्पताल से बच्ची चोरी होने की घटना से पुलिस की नींद उड़ गई है। थाना अधिकारी आदर्श कुमार समेत पुलिस का जाब्ता इस अज्ञात महिला की तलाश में जुटा है, जो बच्ची को चुरा कर लेकर गया है। बताया जा रहा है कि भोपाल MP निवासी हीना परिहार, उसका भाई दीपक राज परिहार राजसमंद के कांकरोली का रहने वाला है और कार मैकेनिक है। पेट में परेशानी के चलते 10 दिन पहले उसका ऑपरेशन हुआ था और वो ICU में भर्ती है। ऐसे में 13 महीने की बेटी अभियंशी को लेकर वो उदयपुर आई हुई थी और उसके साथ ऐसी वारदात हुई है जिससे उसका रो रो कर बुरा हाल है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 02942429044। उदयपुर के माधरे स्थित नवनीत मोटर्स में शनिवार को एक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार खड़ी थी, अचानक शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लगी। देखते ही देखते ये कार आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया। जानकारी के मुताबिक प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित नवनीत मोटर्स में शनिवार दोपहर को इस कार में अचानक से आग लग गई। कार में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये कार खड़ी थी, ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसमें आग लगी। आग को देख कर्मचारियों ने इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज बढ़ गई कि पास में खड़ी दूसरी कारें भी इसकी चपेट में आ गई। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अ लेजेंड इन स्कूल एजुकेशन, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम विद कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। स्कूल एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 senior secondary school, 1 North Iyer, University Road, Udaipur. Dungarpur mein khuleaam satte ka karobar chal raha hai. पुलिस के नाक के नीचे सट्टे की पर्चियां खोली जाती है, हिसाब किताब होता है, लाखों का लेन देन होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। जब डूंगरपुर के संवाददाता ने सट्टे कारोबार का पर्दाफाश करने के लिए मौके से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की तो सटोरियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने फोन पर रिपोर्टर को ही धमका दिया।
गाली गलौज की और देख लेने की बात तक कह डाली। डूंगरपुर पुलिस कप्तान को यह खबर देखनी चाहिए कि उनके नीचे थाना क्षेत्रों में किस तरीके से बस स्टैंड के पास, लक्ष्मण ग्राउंड के पास और कॉलेज के पास सट्टे कारोबार का फलता फूलता कारोबार चल रहा है, लेकिन खाकी कुछ नहीं कर पा रही। डूंगरपुर में सरेआम सट्टे बाजार का खेल चल रहा है, खाकी को बंदी जाती है, यह हम नहीं सटोरिये खुद कह रहे हैं, और वो भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि रिपोर्टर ने सट्टे कारोबार का पर्दाफाश करने के लिए कुछ फुटेज और वीडियो बनाए थे। वो इसकी भनक लगते ही सटोरियों ने सीधे रिपोर्टर को फोन कर धमकाना शुरू कर दिया, गाली गलौज की और देख लेने की बात कही। यहां तक कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सेट है, यानी कि खाकी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि खाकी के हाथ भी सटोरियों के साथ है। सट्टा बाजार शहर के पुराने बस स्टैंड के अलावा लक्ष्मण ग्राउंड और कॉलेज के पास सरेआम चल रहा है, बेखौफ चल रहा है। कई युवा साथी सट्टे के कारोबार में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। सटोरियों की खुली चुनौती है समाज को, सटोरियों की खुली चुनौती है खाकी को, खाकी इसे रोक कर दिखाए। लेकिन पता चलता है कि जिम्मेदार ही जब सटोरियों को शह देने लग जाएंगे तो फिर ये कारोबार क्यों नहीं फलेगा फूलेगा। बेखौफ होकर डूंगरपुर में सट्टा कारोबारी सट्टे का कारोबार चला रहे हैं और इस कारोबार को इतना फैला चुके हैं कि रोजाना का लाखों करोड़ों का सट्टा लगता है। तुम हक का लो, देख का मतलब तुम तो सोचो आते सट्टे वाले कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। मेरी बात सुनो, कम से कम निकलते ना 12,000 रुपए पुलिस वालों में जाए हमारे सेठ अलग देवा। अभी 800 दे दिया तुम पुलिस वालों को, बोला हमारे मजाक नहीं करें, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे आदत है, जो बात होता मुंह पे कहने वाला इंसान हूँ मैं। ये पीठ पीछे वाला क्या शादी कर ली की ये है ने वो यूं नहीं, आप आए मुकेश 500 ऊपर बैठता वो 500, इसके बाद वो कहना मैं तो सियाई की गाड़ी चलाता है वो 1,000, एक वो बापू है वो 500। कई लोग सट्टे में बर्बाद होते हैं, उनके घर वालों से पूछिए कि सट्टे की लत ने उनके परिवार को किन तकलीफों में डाल दिया है। खाकी की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस प्रशासन को यह खबर देखने के बाद डूंगरपुर में चप्पे चप्पे पर जहां पर भी सट्टा कारोबार चल रहा है उसे रोकने के लिए थोड़ा एक्शन दिखाना होगा। ऐसी दफ्तर में बैठकर खाका तैयार करने से अपराध रुकेगा नहीं। सट्टा खेलने वाले कई नशेड़ी भी हैं जो सट्टे के लिए पैसा लगाने के लिए वारदातें करते हैं, लिहाजा रीढ़ की हड्डी पर वार करना होगा राजस्थान पुलिस को। खासतौर पर डूंगरपुर पुलिस के लिए खबर बेहद खास है कि उन्हें अपनी खाकी का इकबाल बुलंद करना है तो सटोरियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। हेलो, अरे कल तेने मेरा फोटो खींचा है? किसने खींचा है? कल तेरी खेत चाहता था मेरे सामने मत आओ जी, अगवा कह दे रही हूँ। किसने खींचा बता मेरे को? तेने तेरे कौन कह रहा है? मैंने देखा है। कब देखा है? दादा बोल दिमाग की किसको मिल गया मेरे को तेरी पत्रकारी नाम सिकंदर नहीं है। चल मैं आ रहा हूँ, चल चल आ जा, अब तेरे बाप को बता देता हूँ। निसंतानता होने की समस्या में आप और आपकी पत्नी दोनों नीलकंठ IVF फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लें। अपने परिवार की खुशियों के लिए बैड मैन ना बनिए, गुड मैन बनिए। बैड मैन तो मैं हूं। नीलकंठ IVF। उदयपुर में संत रविदास की जयंती के अवसर पर शनिवार को बहुजन समाज अनुसूचित जाति जनजाति की ओर से संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बहुजन समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में उदयपुर संभाग के बहुजन समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की। यह रैली टाउन हॉल से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गांधी रोड पहुंची, जहां समाज की आम सभा हुई। इस आम सभा में मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल थे, वहीं पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व खान अभियंता नाथूलाल मेघवाल मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकालकर दुर्ग स्थित मीरा मंदिर में संत रविदास के पादुका पूजन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के संयोजक मांगीलाल बिलोट ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में शनिवार को संत रविदास मिशन राजस्थान संगठन की ओर से रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। चित्तौड़गढ़ के संग्रामपुर धूनी से विशाल शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दुर्ग स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा द्वारा अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रमुख मार्गों से होते हुए दुर्गा
मीरा मंदिर स्थित संत रविदास की पादुका का पूजन किया गया। दुर्ग स्थित बिड़ला धर्मशाला में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सांस्कृतिक और भजन संध्या कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदगुरु स्वामी समनदास के शिष्य महात्मा राजकुमार दास के निर्देशन में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। आज आजादी के 75 वर्षों बाद ही से कम संख्या में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज ने 647 वर्ष पहले कह चुके आज 647वीं जन्म जयंती है। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबंधे तो रविदास रहे प्रसन्न। इसी विचारधारा को कोट करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया, तो उसी विचारधारा को लेकर के धन्ना महाराज धुनी से शोभा यात्रा शुरू की है और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज खुरालगढ़ से समनदास जी महाराज के नेतृत्व में, महात्मा राजकुमार दास ब्रह्मचर्य के नेतृत्व में सन 2000 से किले पर महापुरुष आते हैं। सभी को संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के जन्मदिन की लख लख बधाई है। सतनाम सतगुरु। देखिए अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन जिसके अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, प्रबंधक राजकुमार दास ब्रह्मचारी जो यहाँ पर किले पे प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, और मैं सभी से ज़्यादा यही कहता हूँ सत्संग में पहुँचे, सत्संग का लाभ उठाएं। साथियों, केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ आज जो गुरु जी की जो 647वीं जो हम जन्म जयंती मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में कम से कम प्रशासन को हम लोगों को सहयोग करना चाहिए था। हर साल हम बड़ा जोर शोर से मनाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश से चल कर के यहाँ आता हूँ, और आज हमने बड़ी विडम्बना है प्रशासन की और शासन की कि हम आज देख रहे हैं कि डीजे हमारा ओछड़ी पे जाकर के वहाँ टोल टैक्स पे जाकर के रुकवाया, बहुत गलत है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले जो समय में अगर शासन और प्रशासन ने रुकवाया तो उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में मैं शासन को चेतावनी दे के जा रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर संत गुरु रविदास की जयंती पर अगर डीजे रोका और हस्तक्षेप किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 Pratap Ji Ki Badi, Amba Mata Scheme, Udaipur. नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल घरासिया उदयपुर शहर में भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद और आभार जताया। साथ ही कहा कि राजस्थान में 3 राज्यसभा सदस्य की सीटें रिक्त थी, उसमें से उन्हें मौका देकर भाजपा ने उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल घरासिया ने कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता के कार्यों का विश्लेषण करके उसे उचित सम्मान दिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण वो स्वयं है। उन्होंने कहा कि उनके चयन में पत्रकार साथियों और कार्यकर्ताओं के फीडबैक का काफी योगदान रहा है। विद्यार्थी परिषद से लेकर संगठन के विभिन्न पदों पर रहा हूं, विधायक और सरकार में मंत्री रहा, यह सिर्फ नेतृत्व के कारण ही हो पाया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनजाति वर्ग के सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान की प्राथमिकता रहेगी। जनजाति वर्ग बहुत ही भला होता है, वह दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। कई राष्ट्र विरोधी ताकतें उन्हें बदलने और फुसलाने में लगी हुई है, उससे उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारतवर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा। पूरे क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचार का प्रचार प्रसार करने की बात भी चुन्नीलाल घरासिया ने कही। पहली प्राथमिकता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री भाई अमित जी शाह जी के जो योजनाएं गरीब के लिए घोषणा की है, और घोषणा ही नहीं की है, उसके दरवाजे तक पहुंचाई गई है। वह लाभार्थी जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी में रहते हैं उनको हम सब जा करके इनको याद दिलाएंगे कि भारत की हमारी केंद्र सरकार जिसके आज 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, मोदी जी ने किस तरह से गरीब को पहले आयाम पे रख करके विकास का जो
गंगा उसके चरणों उसके गांव तक घर तक पहुंची, उसको याद दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए जनता से प्रार्थना करेंगे कि निरंतर तीसरी बार भी जो देश के लिए हम अग्रिम विकसित भारत के रूप में 2047 ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारा देश का हर व्यक्ति भागीदार बने, क्योंकि विकसित भारत तभी हो पाएगा जब हमारा गरीब गरीब ना रह करके वह बराबर की लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इन योजनाओं को वहाँ उस तक पहुँचाना जो अभी वंचित रह गए हैं। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to second standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Chandpol क्षेत्र में आए दिन ट्रैफिक जाम से होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए चांदपोल से लेकर ब्रह्मपोल तक एक वैकल्पिक पुलिया बनाने के लिए क्षेत्रवासियों ने एक विशेष समिति का गठन किया है और निर्णय लिया है कि आंदोलन के तौर पर इस काम को करवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। आंदोलन समिति के संयोजक के रूप में डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि यह क्षेत्र सबसे अधिक यातायात के दबाव वाला क्षेत्र बन चुका है। हरिदास जी की मंगरी और इस क्षेत्र में जितने भी आने जाने वाले पर्यटक हैं उन्हें शॉर्ट मार्ग समझकर गूगल भी इसी मार्ग को भेजता है, इसलिए सवेरे से शाम तक दिन में तकरीबन 10 से ज्यादा बार यहां पर जाम के हालात देखने को मिलते हैं। स्थानीय निवासियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि यदि किसी को हॉस्पिटल ले जाना हो तो एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिलती है। इसके अलावा स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भी भारी परेशानी होती है। लेक सिटी पर्यटन नगरी है, लिहाजा कई शहर में पर्यटन आते हैं, उनको भी इस जाम की वजह से काफी कुछ परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसी विकट परिस्थितियों को झेल रहे क्षेत्रवासी काफी समय से मांग कर रहे हैं कि एक वैकल्पिक पुलिया बनाई जाए ताकि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके और लोगों को सस्ता सुलभ यातायात मार्ग मिल सके। श्री जी एक्सोटिका और रूप मधुबन प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद अरिहंत ग्रुप लेकर आए हैं अपना नया प्रोजेक्ट श्री जी एक्सोटिका फेस 2। मॉडर्न एमिनिटीज वाले आलीशान घर उदयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पर सेलिब्रेशन मॉल के पीछे, जहां मिलेगी कई मॉडर्न एमिनिटीज जैसे गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल और योगा रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं। लग्जूरियस 2BHK और 3BHK फ्लैट्स की बुकिंग के लिए संपर्क करें श्री जी डेवलपर्स, शोभागपुरा सर्किल के पास, उदयपुर। अलनवाज मुस्लिम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन शहर विधायक ताराचंद जैन की मुख्य अतिथि में हुआ। इस टूर्नामेंट में समाज की कई टीमों ने भाग लिया और शानदार प्रतियोगिता देखने को मिली। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला स्टार क्लब और मैसूर लायन के बीच हुआ, जिसमें मैसूर लायन ने पहले खेलते हुए 129 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में स्टार क्लब ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर इस जीत को हासिल कर लिया। आयोजन सचिव शहजाद खान के मुताबिक मैन ऑफ द टूर्नामेंट इरशाद खान, बेस्ट ऑलराउंडर हारून अंसारी, बेस्ट बॉलर शाकिर रजा, बेस्ट बैट्समैन इरशाद खान चुने गए। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन थे, जबकि अध्यक्षता मोहनलाल चुगाड़ा विश्वविद्यालय के योग समन्वयक डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान ने की। विशेष अतिथि के तौर पर पार्षद हिदायतुल्ला, पूर्व पार्षद नजमा वेवा फरोश, भाजपा मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र शेमाली, समाजसेवी रशीद मुल्तानी समेत पूर्व जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन भी मौजूद रहे। अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। भारत सरकार की केंद्रीय परिवर्तित योजना के अंतर्गत खुशहाल पशुपालक खुशहाल राजस्थान को लेकर जिला स्तर पर 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा की शुरुआत शनिवार को की गई। जिले के तहसील क्षेत्रों में मोबाइल वाहनों को CU जिला परिषद दायगुड़े, स्नेहिल और जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए विभाग के संयुक्त निदेशक दौलत सिंह राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की परिवर्तित ESVSD MVU के अंतर्गत 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की गई है। 5 मोबाइल एम्बुलेंस जिला मुख्यालय पर पहुंची है, जिन्हें जिला परिषद CEO और जिला प्रमुख ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अभी जिले में निम्बाड़ा, गंगरार, कपासन, बेगू और भैंसरोडगढ़ में चिकित्सा वाहनों को रवाना किया गया है। आने वाले समय में कुछ और वाहन
जिले को मिलने की पूरी संभावना है। उन्होंने बताया कि इस एम्बुलेंस में एक चिकित्सक के अलावा 3 अन्य नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद रहेंगे, जो प्रत्येक दिन गांव में जाकर बीमार पशु मरीजों का उपचार करेंगे। अति गंभीर पशुओं को जिला चिकित्सालय पर उपचार के लिए पहुंचाने में सहयोग करेंगे। ये मोबाइल यूनिट एक दिन में 2 गांवों का सर्वे करेगी। पूरा शेड्यूल ये हर ब्लॉक के लिए एक एक मोबाइल यूनिट आई है, जो भी अपनी संस्थाएं उनको स्ट्रेंथिंग देने के लिए 1,00,000 एनिमल्स के ऊपर एक मोबाइल यूनिट है। हर ब्लॉक पे एक मोबाइल यूनिट जाएगी। मेन स्टाफ है, मेडिसिन फ्री है, सब फ्री है, और कॉल ऑन कॉल है, कॉल सेंटर से कॉल आएगा तभी ये जाएगी गाड़ी पशुपालक के घर पर जाके इलाज करेगी। सभी तरह की चिकित्सक संबंधी जो भी है, सर्जरी माइनर सर्जरी का है जो है, हर गाड़ी के अंदर एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर रहेगा, स्टाफ है, ड्राइवर है, सब निःशुल्क रहेगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा में भी बीमार पशुओं का उपचार करने के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत कर दी गई है। पशुपालन विभाग की ओर से बांसवाड़ा जिले को 17 मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल और विभाग के अधिकारियों ने इन वाहनों को विधिवत पूजा अर्चना के बाद में गाँव के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि रोजाना 2 गाँव में जाकर ये मोबाइल यूनिट बीमार पशु मरीजों का इलाज करेंगे और ज्यादा गंभीर हुए तो उन्हें जिला पशु चिकित्सालय के लिए रेफर करेंगे। ये मोबाइल वेटनरी यूनिट अभी 22 आई है हमारे यहाँ बांसवाड़ा जिले में। ये हर यूनिट प्रतिदिन 2 पंचायतों में जो कि रिमोट में है वहाँ पे कैंप लगाएंगी। सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 से 5 इसका टाइमिंग रहेगा और 2 जगह, एक जगह आधे दिन एक जगह लगाएगी, आधे दिन एक जगह लगाएगी। इसके बाद आगे की सरकार की जो योजना है उसके तहत ये 1962 कॉल नंबर रहेगा, उसके बाद से उस पर अभी इसका सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, कुछ दिनों में हो जाएगा। उसके बाद से ये ऑन कॉल 1962 पे हर पशुपालक के घर पे ये सेवा उपलब्ध रहेगी। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एमबी अस्पताल से अज्ञात महिला उठा ले गई 13 साल की मासूम बच्ची को। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस टीमें जुटी तलाश में, सुरक्षा में चूक। माधवी स्थित नवनीत मोटर्स में खड़ी कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट बताई वजह, पास खड़ी कारें भी आई चपेट में। डूंगरपुर में खाकी के नाक के नीचे चल रहा सट्टा कारोबार, सटोरियों के हौसले इतने बुलंद की रिपोर्टर को दे डाली धमकी। और धूमधाम से मनाई गई संत रविदास की जयंती, संभाग में जगह जगह हुए आयोजन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अब रहे न्यूज 91 राजस्थान के साथ, टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।